A very good afternoon to all of you. Honorable, आज के हमारे चीफ गेस्ट IAS अमित कुमार सिंह जी, गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय डिप्टी डायरेक्टर उद्धव सिंह जी, ऑनरेबल मैनेजर सर, हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल मैडम, पेरेंट्स, मीडिया पर्सन, मीडिया हेड्स, संजय और विजय प्रकाश, विजय मिश्रा जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पुष्पपुंज नौनिहाल बच्चों के लिए हार्दिक किसने, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता और हमसे आपको रूबरू करने का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना लुफ्त उठाएं आज की शाम बच्चों के नाम। सारा दिन एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां। जब हम किसी व्यक्ति के स्कूल के बारे में पूछते हैं तो सबसे पहले वो ये जरूर बताएंगे अपने स्कूल लाइफ के बारे में, एनुअल फंक्शन डे। तो वो आप आज आपने देखा कि उनकी मेमोरी सबसे पहले जाती है, स्कूल की ड्रेसेस, उनके कॉस्ट्यूम, बदलते हुए टाइम के हिसाब से उनको देखना, तो उनके अंदर जो बदलाव दिखता है कि सबसे पहले उनके फंक्शन को याद आता है, वो आप सबसे शेयर करते हैं। आज हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जो आपने देखी, और इसमें कि ग्रैंड फिनाले को जबरदस्त बनाने में हमारी काफ़ी क्वालिटीज की ज़रूरत होती है, इसके बारे में मैं यहाँ कुछ शेयर करूँगी। टाइम मैनेजमेंट, लाइफ में हमारे मल्टीपल प्रायोरिटीज होते हैं, लेकिन हर इंसान के पास 1440 मिनट्स ही होते हैं, इसी के अंदर हर चीज़ को लेकर चलना होता है प्रायोरिटीज के हिसाब से और एक्टिविटीज को करना होता है। एनुअल डे की प्रैक्टिस के बीच में हमारे बच्चों के बीच पढ़ाई में कोई रोक नहीं आनी चाहिए, इसमें हमारी और आपकी बहुत जिम्मेदारी है, कहीं ऐसा ना हो प्रैक्टिस के साथ साथ बच्चे पढ़ाई भूल जाएं। एम्पैथी स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में होनी चाहिए, इट्स मेक द वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस। पंचुअलिटी, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नो मैन, समय का आदर और सही उपयोग करना अनिवार्य है। कोई भी पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों से अगर हम पूछें उनकी सक्सेस के बारे में तो वो जरूर बोलेंगे पंचुअलिटी एंड सिंसियरिटी। टीम स्पिरिट, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, बच्चों और टीचर्स के बीच में पूरा स्कूल एज वन यूनिट खड़े रहें तो आपका रिजल्ट आन मान सान सब बढ़िया रहेंगे। एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, इट इज लाइफ इटसेल्फ, एंड वेयर इज लाइफ विदाउट हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। और जीवन में बिना स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का क्या फायदा, शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी। जैसा कि मैनेजर सर ने भी बताया, दुनिया के 195 कंट्रीज में सेकेंड हाईएस्ट ओबीस मोटे बच्चे हमारे देश में हैं। ये एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है, इसका कारण है हम सबका खान पान, हम सबका वातावरण। हमारे बच्चों को लिए चाहिए टीवी और कंप्यूटर पर जो बिजी रहते हैं वो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं। फिजिकल एक्सरसाइज और मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को चाहिए। बच्चों को घर से बाहर पार्क में घूमने के लिए ज़रूर ले जाएं और खेलें, और उनके लिए गेम बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमारे टीचर्स ने बच्चों को प्रिपरेशन कराई, योगा, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, एवरीथिंग, जंपिंग। पौष्टिक आहार की भी बहुत ज़रूरत होती है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन चीज़ों पर बहुत आपको ध्यान देना है, आफ्टर ऑल अवर बॉडी इज अ टेम्पल। हमें विश्वास है कि LPS उद्यान के खिलते हुए हमारे प्यारे प्यारे कलियाँ कल संसार के सबसे सुंदर मशहूर फूल बनेंगे, जैसा कि आप सबने देखा हमारे यहाँ लखनऊ की बच्ची जो पूरे भारत में देश अपना नाम रोशन किया है, लिपिका अग्रवाल और निधि प्रिया जो आपके सामने हैं, ऐसे ही हमारे LPS संगम यार के बच्चे कल बहुत नाम रोशन करेंगे। ये तो हमारी 6 महीने की उपलब्धि है जो आपके सामने है। 6 महीने में आपने देखा बच्चों में कितना बड़ा चेंज है। हम अप्रिशिएट करते हैं अपने प्रिंसिपल मैडम को, अप्रिशिएट करते हैं अपने मैनेजर सर को जिन्होंने गाइड किया, अप्रिशिएट करते हैं उन मेहनती टीचर्स को
अप्रिशिएट करते हैं हम आप सबको, क्योंकि बिना आपके कोऑपरेशन से कुछ भी असंभव नहीं है। इन बच्चों की लाजवाब परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को, उनके माता पिता, उनके टीचर्स, उनके सभी लोगों को जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। और आज की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको और आपके टीचर्स को, आपके प्रिंसिपल के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि वंदना से लेकर के अब तक इतनी प्रेजेंटेशन दी है, बिल्कुल लाजवाब है, बेहतरीन है। तो ऐसी तरह से ये हमारे बच्चों के लिए आप सब लोग मेहनत करेंगे, हम सब मेहनत करेंगे, हमारी सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन बच्चों को बहुत आगे लाना है कि ये बच्चे पुष्प पुंज नौनिहाल। हम 5 साल तक बच्चों को सिखाते हैं गोदी में खिलाना, 3 साल के बाद अब हम सब स्कूल भेजते हैं, 10 साल में हमारा बच्चा होता है, तब तक हम उसको अनुशासन सिखाने लगते हैं और जिम्मेदारियां देने लगते हैं। और जहां 15 साल तक बच्चा होता है टीनेजर, तब हम उसको अनुशासन सिखाते हैं, उसको नैतिकता की बातें सिखाते हैं, उसको हम बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं और बड़े बदलाव होते हैं टीनेज में। हम, जैसा कि मैनेजर सर ने बार बार कहा, हम उन बातों को फिर रिपीट करेंगे, हमारे बच्चे कहीं भटके नहीं, अच्छाइयों पर चले, नेकी पर चले, देश के लिए चले, देश की सुरक्षा के लिए चले, परिवार का नाम रोशन करें, टीचर्स का नाम रोशन करें। हम सब सिखा देते हैं 15 साल में। जो आप अभी छोटा सा नन्हा नौनिहाल बच्चे का एडमिशन हुआ है, हो रहा है, उसमें बदलाव आप देख रहे हैं। और अभी इसी साल हमारे यहाँ लिमिटेड एडमिशन होते हैं। आपसे कहना चाहूँगी कि हम एडमिशन लिमिटेड ले रहे हैं, और एडमिशन शुरू हो गए हैं और टेस्ट के आधार पर हम लेंगे। जब टेस्ट के आधार, तो हमारे कहीं अच्छे बच्चे एडमिशन से वंचित ना रह जाएं, तो आप लोग जल्दी से अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और देखें बदलाव बच्चों की ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं और पुरुष की भागीदारी बराबर की है। और अभी हमारी मैडम ने जैसा कहा, मैं फिर भी कहूँगी कि महिलाओं को जागरूक होना, सशक्त होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए और आगे अच्छा कार्य कर सकें, क्योंकि तब हम मजबूत और सशक्त कहे जाएंगे जब हम घर से लेकर के बाहर तक काम करते हैं, जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। और आप सब हैं, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कार्य करते हैं कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां आत्मनिर्भर हों, इंडिपेंडेंट हों, सशक्त और मजबूत बने, ताकि आज हमारे देश में जब महिला और पुरुष दोनों बराबर काम करते हैं घर से लेकर के बाहर तक, तो वो घर ही मजबूत नहीं होता, वो परिवार सशक्त और मजबूत होता है, वो परिवार, वो समाज सशक्त और मजबूत होता है, वो देश सशक्त और मजबूत होता है। आप लोग जो बंधन में हैं, तो हमारा जो देश है संगम बिहार में स्कूल खोलने का, कि आप सबके अंदर जो हम वो झिझक, वो संकोच देख रहे हैं, हमारा दायित्व तो है, हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ हम अपनी बहनों को, महिलाओं को भी सशक्त और मजबूत बनाएंगे। हम स्कूल में वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करेंगे, हम स्कूल पर मदर्स डे मनाएंगे, हम महिलाओं को शामिल करेंगे, हम स्कूल में फादर्स डे मनाएंगे, हम स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाएंगे, तो उनके दादी और दादा को बुलाएंगे, उनको सुझाव देंगे, उनके सुझावों को सुनेंगे हमारे टीचर्स और हमारे बच्चे, जो सशक्त और मजबूत तभी बनेंगे, अपनों का, बड़ों का मान सम्मान आप सीखते, ऐसे सीखते हैं। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं, आप अपने घरों में अपने से बड़ों का सम्मान जरूर सिखाएं, जब बच्चों को जरूर प्रेरित करें, उनकी अच्छाइयों पर, छोटे छोटे कार्यों पर उनको ताली बजा के सराहना करें, उनको शब्दों से मोटिवेट करें, कभी बच्चों को डांटे नहीं, और उन बच्चों को स्पेस दें, बेटियों को स्पेस दें, उनको बात रखने का, उनको डिसीजन लेने का राइट दें, जो ये संविधान में लिखा है, ये कागज पर ही नहीं, आज की बहन, आज की महिला, उसने अपने को प्रूफ किया है, आज की बेटी ने अपने को प्रूफ किया है कि बराबर का अधिकार, बराबर का सम्मान जैसे हम देते चले आए हैं। आज हमारे स्कूल में हमारी बेटी नेहा सिंह, हेड ऑफ इनोवेशन, डायरेक्टर एकेडमिक, बेटा हर्षित सिंह, डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर, डायरेक्टर प्लानिंग, आप सबसे अनुरोध है, ये बच्चे समय के साथ साथ पूरा देश बदल रहे हैं, उसी तरह से आप सब आज डिसाइड कर ले, बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं, बराबर।
का अधिकार दें, बराबर का सम्मान दें, बराबर के निर्णय लेने का उनको उनमें जो क्षमता है वो अधिकार है वो होना चाहिए। बच्चों की प्रस्तुति के लिए मैं जरूर करूंगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सुर से सुर मिलाकर आए। ये जो बच्चों ने प्रेजेंटेशन दी है तो बहुत अप्रिसिएशन है जो देश के लिए जो हमारे बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया है, चाहे वो एरोबिक हो तो चाहे संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं, डांस बोम बोम केजी के बच्चों ने किया, स्केट हॉकी पॉकी एरोबिक, इन बच्चों ने जितनी मेहनत की उन बच्चों के लिए जोश के साथ एक बार फिर से तालियां हो जाएं। और दो लाइनें मैं अंत में और फिर आप लोगों के लिए बच्चों के लिए कहना चाहूंगी, ये छोटे नन्हे मुन्ने पे नौनिहाल बच्चे, हर लक्ष्य तुम्हारा पूरा हो, हर लक्ष्य तुम्हारा पूरा हो, दुनिया की तुम्हें हर खुशी मिले, जिन राहों पर पग रखो तुम उन पर अगणित फूल खिले, उन पर अगणित फूल खिले। इन्हीं सब बातों के साथ हमारे प्रिंसिपल दीपिका अरोरा और उनकी जो टीम को सारे टीचर्स जिन्होंने मेहनत की है उनके लिए जोरदार तालियां। अगला फंक्शन हमारा अभी कुछ ही दिनों में होगा, साइंस क्राफ्ट और एग्जीबिशन जब होगी तब आप फिर देखेंगे, बच्चों ने बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन देंगे, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी आप सबको और हमारे गेस्ट का, हमारे चीफ गेस्ट जो हमारे डायरेक्टर एजुकेशन है जो पूरा टाइम दे रहे हैं, हमारे मीडिया से लोग इतने लोग आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अभी कुछ देर में आप ग्रैंड फिनाले देखेंगे और आपका बहुमूल्य समय सभी ने दिया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, अपने बड़ों को सलूट करते हैं, इसी तरीके से हमारे बच्चों को मोटिवेट करते रहिए और इसी तरीके से आप लोग समय देते रहिए, आप देखेंगे इसी साल के बाद बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जो आपने बहुमूल्य समय दिया, सारे लोगों को जय हिंद जय भारत जय भारत।